ये लो दो आप, ये खुद लो, मैं तुम्हारी असिस्टेंट तो नहीं लगी। यहाँ पे मुझे बख्तावर भी मिल गया, खुद ना तुम बेकरना बख्तावर, चलो मेरे लिए प्लेट तैयार करो बहन, अभी मैं बिल दूंगी। सलाम, हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन, आई होप यू आर फाइन। यार मुझे ये लंबी चौड़ी बातें नहीं होती, नहीं करो बख्तावर, ये लंबी चौड़ी बातें मुझसे नहीं होती। अभी मैं बख्तावर भाई जाने वाले हैं और आप हमारे साथ देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। ये बख्तावर के साथ में आई और जहाँ भी जाओ बख्तावर के साथ भारी पड़ जाता है मुझे, मैं भारी पड़ी हूँ, शोर हो रहा है। हाँ, आवाज़ें आ रही हैं, नहीं ये बख्तावर की आवाज़ें, मैं बख्तावर भी दिख रही हूँ। ये बख्तावर पिज्ज़ा काटते हुए मुझे अंदरूनी फीलिंग्स आ रही है, बड़ा यम्मी पिज्ज़ा है इनका, मैं तो खा लूँ पहले खुद, जाओ ना फिर आपको दिखाती हूँ। चलो मेरे लिए प्लेट तैयार करो बहन, ये मेरे से बिल पे करवाती रहती है, खुद ना तुम पे करना बख्ताब, ये नहीं पे करती खुद बिल, बिल ही करवाती रहती है। बंद करो इसे, ये लो दो आप, ये खुद पे कुछ भी नहीं करती है, मैं ही पे करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास माशाल्लाह से कार्ड इतने हैं जो मैं यूज ही नहीं करती ना, उन कुछ हेल्प बहुत बख्ताब, टिप दूँ कि ना दूँ? भाई मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं 10 रुपये निकाल के वही दूंगी, मैं नहीं ज्यादा देती। तुम दो यार, मुझसे कर्जे ले लेके थक गई, मैं ये पाकिस्तान बन गई और मैं MIF कर्जे दे लेके थक गई हूँ। क्या चाहते हो? IMF चाहते, हाँ सॉरी IMF यहाँ से ही देख लेंगे, देती शेती मुझे कुछ नहीं है, देती मैं ही देती हूँ, मेरा ही पैसा है। हाँ ये देती है, सारा मेरा पैसा होता है, मेरा आपके सामने मैंने बिल पे किया, मैं पे करती हूँ, झूठी अल्लाह, मैं तुम्हारी असिस्टेंट तो नहीं लगी। देख ले ये बीबी मेरे से हर वक्त पैसे लेती रहती है और फिर कहती है कि तुम देती नहीं हो। अभी बख्तावर कहीं और लेकर आई है, मेरे हाल से पापड़ी चाट ना खा ले। नहीं भाई गोल गप्पे खाऊं, पहले तुमने पिज्जा खिला के मेरा दिल खराब कर दिया। पिज्जा का बस वो टेस्ट फ्लेवर ही ऐसा था, मेरे तो मेरा तो सूट नहीं, एक पापड़ी चाट ये कुछ नहीं खिलाती थी। अभी मैं बिल में पे करूंगी, प्रूफ दूंगी, ऐसा तूने मुझे तो बिल्कुल ही, हाँ अभी भी बिल में ही पे करूंगी। आइए बख्तावर का ऑर्डर खा लें से, हम बिल आ गया, अभी मैं बिल दूंगी, सारा मैं नहीं देती, झूठी है, अभी ये मेरे से बिल लेगी, नहीं भैया अभी मैं दूंगी, ये ऐसे ही कह रही है, ये बिल मैं देने लगी, 300 रुपये का। यहाँ पे मुझे बख्तावर भी मिल गई है। वालेकुम सलाम बाजी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आ रही है। नोबिटो चॉकलेट बिस्किट, वो कह रही चॉकलेट अच्छा लेती हूँ, इसे पता ही नहीं हुई इसकी वीडियो बना रही, बस जल्दी जल्दी ग्रोसरी लें और फिर घर जाती हैं। मासी बनी हुई हूँ, जाओ ले आओ ड्रेस। हाँ जी मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा है जो मैं ले रही, बाजी ड्रेस ले रही। ने उस्मान को उसके दे दिए केक वगैरह, वो लेके भाग गया था और उसके बाद मैं भूली गई कि मैंने अपने व्लॉग का कोई एंड भी करना। यार तुम्हारे व्लॉग में मुझे कलर क्यों आते हैं, बता दो, मेरे में भी आते नहीं भाई, मेरे व्लॉग आईफोन का रिजल्ट कैसा नेचुरल नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी को छुपाता है, मैं आपको बताती हूँ।
नहीं फिल्टर के बगैर तुम गोरी तो आ रही हो और कितनी गोरी आओ मेरा सफेद दूध की तरह आने शुरू हो जाओ रूप नहीं आते दूध की तरह आने शुरू हो जाओ या वो जो आजकल जिन मॉडल्स का बड़ा फैशन है वो जो बिल्कुल वाइट भी उनके बाल भी वाइट होते हैं उनकी आई लैशेस भी वाइट होती है इस तरह क्या मसला है मुझे बहुत ज्यादा मुझे ये समझ नहीं आता तुम्हारे व्लॉग में मेरा कभी माथा आता है तो कभी मैं ऐसे बनाऊं भाई मैं मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई है आपको मेरी आंखों से आंखें दिखाई भी दे रहा होगा फोकस करूँ तो बता भागे किसका फोकस अच्छा नहीं आता बहुत तेज हो रहा है इसलिए भागी है नहीं शायद इसीलिए भागी है शायद की बात है शायद पे छोड़ दो हाँ जी तो अभी हम अपना व्लॉग में एंड करने वाली हूँ और आपसे जबरदस्ती का मुझे खड़ा किया हुआ है इसके व्लॉग की मैं जान हूँ पाकिस्तान की शान हूँ क्यों पाकिस्तान का दिल जैसे लाहौर है उसी तरह इज़ा का दिल बता नहीं इज़ा का दिल इसका इज़ा का अपना दिल है नहीं मेरे बिना नहीं आप बताएं मेरे बिना कोई इसने ऐसा कोई व्लॉग बनाया हाँ जी तो तुमने कौन सा मेरे बना व्लॉग बनाया कोई भी नहीं इसने मेरे बगैर व्लॉग बनाया आप भी देख लो मैं इसके व्लॉग में ना हूँ तो मजा ही नहीं आता होगा है ना मैं जान हूँ तुम्हारे व्लॉग की जिए इज़ा जिए भुट्टो चुप करो भाई जिए इज़ा इज़ा के नारे होने चाहिए इज़ा इज़ा यू नो यूनिक नेम पंजाबी भी यार आप लोगों ने इज़ा वाला ड्रामा तो देखा ही होगा उस तरफ कर जाओ बीबी मुश्किल ये लो भाई तुम फिर इधर आओ मैं आज नीचे बैठने दो जबरदस्ती का मुझे खड़ा किया हुआ अपने व्लॉग में तुमने छुड़छुड़ियां मारने के लिए तो बैठ जाओ ना ये लो मैं तो बैठ गई वजारती उज़्मा पर बख्तावर बैठ चुकी हैं हाँ ये अपनी सीट इसने संभाल ली है इसने अपनी सीट संभाल ली है और आपने इज़्ज़ा वाला तो ड्रामा देखा ही होगा कितनी फेमस हो गई है ना वो लड़की मेरे नाम से बस क्या कर लूँ एक महीने फेमस हुई अभी तक मुझे भी फेमस होना है भाई बख्तावर मेरा तो मास्क ही चेहरे लगा हुआ इग्नोर क्या करें हमारी इन चीजों को हमारी इन हरकतों का दुपट्टे और मास्क वाली अच्छा चले अब मैं अपना व्लॉग एंड करने वाली हूँ और बख्तावर क्या कोई शेर सुनाना चाहती हो हाँ सुनाऊंगी एक शेर मेरे शदीद किस्म का आया हुआ है हम तो बोलो, वो बोलो। जो हमारे साथ एक्चुअली जो सिचुएशन होती है ना जो हमारी सिचुएशन रहती है वो ये है हम तो वो स्या नसीब है तारिक खोले दुकान तो को नहीं हम तो वो स्या नसीब है तारिक खोले दुकान जो कफन की लोग मरना ही छोड़ पता नहीं कितने चले ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बख्तावर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह सबके अच्छे नसीब कर क्या हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा हर इंसान के लिए किया करे दुआ दुआ करना बहुत अच्छी बात होती है दूसरों के लिए ज्यादा किया करे अपने से ज्यादा बता दे मेरी आंखें बंद होने अच्छा भाई तो और मेरे यार तुमने मेरी बातें बुला दी इतनी अच्छी अच्छी बातें मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड करती हूँ ये जो है मुझे बातें नहीं करने दे रही मेरी तो चलो ठीक है और क्या करना था भाई बताओ ना हाँ सब्सक्राइब करना है आपने हमारे चैनल को और मुझे बताओ को देख के ज्यादा से ज्यादा माशाल्लाह बोला करें ताकि किसी को आप लोगों को सवाब भी होगा और क्या होगा रिपीट हो गया डायलॉग मैडम आपका अच्छा ओह माय गॉड कोई और डायलॉग सोचूंगी मैं अब ठीक है वैसे भी मुझे रात को आते हैं ऐसे डायलॉग हाँ ठीक है और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब करना ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़